हेलो बच्चों, आज हम जो है मैट्रिक्स का जो गुणनफल चल रहा था उसी की बात आगे करेंगे। देखें जरा, पिछली क्लास में हमने 2 बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन देखा था, अभी 3 बाई 3 का देखते हैं। देखें जरा, मान लो ए है 104 टू फाइव टू थ्री फोर सिक्स, ये ए है। और मान लो आपका बी है 0 0 0 2 4 3 7 8 9, ये। तो अब हम देखें जरा, यहां पे हम देखेंगे तो ए भी मान लीजिए हमें निकालना है, ए बी। तो पहले तो ए लिखो, ए लिख दिया 1 2 3 0 5 4 4 2 6, ये तो ए हो गया। अब भी देखो जरा, बी क्या है 0 0 0 2 4 3 7 8 9। अब जरा पहले देखें कि इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं। ये 3 × 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर का है। अब ये सेम है दोनों, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, अतः मल्टीप्लाई होगा। और वो किस ऑर्डर का आएगा? वो जो आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3, उसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3। तो देखें जरा, सबसे पहले हमने बताया था कि ये जो है, ये वाला कॉलम पहला वाला, इसको यहां लिख लें यहां, ठीक है। अब इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, और बीच में प्लस चिन्ह। तो करें जरा, तो 0 × 1 = 0 × 0 = 0 = 4, ये हो गया। इसका इसके साथ आया, अब इसका इसके साथ लेंगे तो 0 × 2 + 0 × 5 + 0 × 2, ठीक है। अब जरा नीचे वाले साथ लो, नीचे वाले साथ लेंगे तो क्या आएगा 0 × 3 + 0 × 4 + 0 × 6, ये आ गया। अब ऐसे ही जरा दूसरे वाले कॉलम को ले जाएं, तो दूसरे वाले कॉलम को ले जाओ, यहां से इसको हटा दो, ये क्या आएगा 2 4 3। अब क्या करें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 आया, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। अब ये पहली वाली रो के साथ हो गया, दूसरी के देखो तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, प्लस 4 और 5 का हो गया 20, प्लस 3 और 2 का हो गया 6। इसी प्रकार से अब इसका जो है थर्ड रो में देखें तो इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो आया 6, इसका आया 16 और इसका आया 18, ठीक है। अब जरा थर्ड कॉलम को ले लें, तो थर्ड कॉलम को लेंगे तो क्या आएगा यहाँ, यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ 9। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 7, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आया 36। अब जरा इसको सेकंड के साथ देखें, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 14 आ गया, प्लस
आठ पंजे 40 आ गया, प्लस 9 दूनी 18 आ गया। अब जरा इसके साथ देखें, 21 प्लस 32 प्लस 54 यह है। तो अब इसको जरा आगे हल करें, आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, ए भी आ गया आपका, इसको ऐड कर लें तो ये तो जीरो ही आया, इसको ऐड करें तो भी जीरो आया, इसको ऐड करें तो भी जीरो आया। अब जरा इसको देखें तो 14 आ गया, ये कितना आएगा 30, और इसको देखें तो 22 और 18 40। अब जरा उसे देखें 43, और ये आएगा 54 और 72 और 53 और 54 107। तो ये आ गया 3x3 ऑर्डर का ए बी आ गया। तो मल्टीप्लाई आराम से धीरे धीरे करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी करने में गलती होने के पूरे पूरे चांस हैं, इसलिए गलती से बचने का प्रयास करें। देखें जरा, अब मान लिया हमने ए ले लिया, कोई ए लिया 2x3 ऑर्डर का, तो 2x3, तो 2x3 का लें तो 1 2 3 4 0 5 7 6 0, ये मान लिया 3x3 का ही ले लिया हमने ये, और बी लिया 3x2 का करते हैं। ये 3x2 का ले लिया। तो अब जरा देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम है दोनों, तो इनका गुणा हो पाएगा, तो ए भी क्या आएगा 1 4 7 2 0 6 3 5 0। अब इसके बाद देखें जरा उसको 1 0 2 2 0 7, तो देखें इसका 3x3 है और इसका 3x2 है, तो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है मतलब इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा, और जो यहाँ आएगा वो 3x2 का होगा। तो 3x2 का मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो 3x3 का हो गया। अब 3x2 का करना है तो एक हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया 3x2 क्रम का। तो करें जरा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखें जरा, तो ए बी बराबर, अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए इनको यहां लिख लीजिए 1 0 2, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे और बीच में प्लस चिन्ह, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो एक आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। अब ऐसे इसके साथ देखो तो ये आया 2 और ये आया 0 और ये आया 12, इसी तरीके से ये आया 3
ये आया जीरो और ये भी जीरो, ये इसके साथ हो गया। अब इसके होने के बाद अब उस 207 को इधर रख दीजिए, 207 इसका इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करें 49 आएगा। अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसके साथ देखें जरा, 4 0 और 42, फिर 6 0 और 0। अब इसको जरा सिंपलीफाई कर लें, तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए भी आ गया 15 14 3 और उधर आया 51 46 और 6। इसके यदि ऑर्डर की बात करें तो कितने पंक्तियां हैं, 3 और स्तंभ कितने हैं, 2, तो 3×2 क्रम का आ गया है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अव्यू का गुणनफल सीख सकते हैं। अब जरा थोड़ा आगे चलें, नेक्स्ट है अदिश गुणनफल, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कहिए या मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब है, माना ए कोई अव्यू है तथा एन कोई अदिश राशि है, तो एन ए का मान ए के प्रत्येक अवयव को एन से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। समझिए जरा, मान लो हमें कोई ए दिया है 2 2 5 6 मान लीजिए दिया हुआ है, तो एन मान लो हमारा 3 है, तो 3 ए लेंगे तो 3 2 2 5 6, तो इस 3 का सम में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 6 15 और 18 ये आ गया। तो ये अदिश गुणनफल बोलते हैं। मान लो हमें -2a निकालना हो तो -2 2 2 5 6, इस -2 का सब में अंदर गुणा कर दीजिए तो -4 -4 -10 -12 ये आ गया, ये आ गया अदिश गुणन। अब जरा आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अव्यू योग
के गुण धर्म, आव्यूह योग के गुण धर्म। तो गुण धर्म की यदि बात करें तो सबसे पहले आएगा क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का या विनिमय का नियम, तो ए में बी ऐड करें या बी में ऐड करें, ऑर्डर इसका चेंज है। देखिए जरा, तो इसको लेने के लिए माना हमने ए है आपका ए आई जे और एम इन टू एन क्रम का है, और बी भी है मान लीजिए बी आई जे और एम इन टू एन क्रम का है। तो मान लो ए प्लस भी निकालें हम लेफ्ट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आएगा ए आई जे एम इन टू एन प्लस बी आई जे एम इन टू एन। तो दोनों का क्रम समान है तो ये अंदर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे और एम इन टू एन क्रम का मिल जाएगा। इसी तरह से b प्लस ए करें तो b प्लस ए में क्या होगा बी आई जे एम इन टू एन प्लस ए आई जे एम इन टू एन, तो कितना आएगा सेम ही आएगा, एड ही तो हो रहा है बी आई जे प्लस ए आई जे एम इन टू एन। अर्थात क्या हुआ ये दोनों समान हैं, क्योंकि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अतः क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। अब जरा दूसरा देखें, साहचर्य देखें। अच्छा इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, दूसरा है साहचर्य का नियम। तो दूसरा है आपका साहचर्य का योग का नियम, क्योंकि साहचर्य का गुणनफल का भी नियम होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखें जरा साहचर्य क्या कहता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी फिर सी। कहने का मतलब है पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, उसमें इसको जोड़ें, चाहे इन दोनों को जोड़ के फिर उसको जोड़ें, बराबर ही आएगा। आप देखना चाहें देख सकते हैं। मान लीजिए हमने b प्लस सी निकाला, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो b प्लस सी आएगा, b है मान लीजिए b आई जे एम इन टू एन क्रम का, और c है मान लो c आई जे एम इन टू एन क्रम का। तो जो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा b आई जे प्लस c आई जे इन टू एन क्रम का हो गया। अब इसमें मान लीजिए हमने a भी जोड़ दिया, तो a प्लस b प्लस सी, तो a तो है आपका ए आई जे एम इन टू एन का, और b प्लस सी आपने निकाला b आई जे प्लस c आई जे एम इन टू एन क्रम का। तो कितना आ गया ये ए आई जे प्लस b आई जे प्लस c
सी आई जे एम इन टू एन क्रम का। इसी प्रकार से इसकी राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में ही आ गया ए आई जे प्लस बी आई जे एम इन टू एन प्लस ये आ गया सी आई जे एम इन टू एन। तो फाइनली ये किसके इक्वल आया, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इन टू एन, तो ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये आ गए इसके नियम। अब देखें योज तत्समक का नियम, तीसरा है योज तत्समक। योज तत्समक का नियम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, सभी लोग जानते हैं कि ए में हम नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स तो कुछ नहीं होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ें या नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स जोड़ें दोनों बराबर ही आएंगे। देख लें जरा, कोई एक को प्रूव कर देते हैं दूसरा आप खुद कर सकते हैं। तो देखें जरा, ए प्लस ओ निकाला मान लो हमने, तो ए तो आएगा ए आई जे एम एन टू एन, अच्छा प्लस यह है ओ आई जे एम एन टू एन, इसके तो सारे एलिमेंट जीरो है इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ए आई जे एम इन टू एन ही होगा क्योंकि ये इसके तो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। किसी भी क्रम का लें, चाहे टू बाई टू का लें चाहे थ्री बाई थ्री का लें। इसी प्रकार से नल मैट्रिक्स में ए ऐड करें, नल मैट्रिक्स तो जीरो ही हो गया, ये जीरो आई जे एम इन टू एन, क्रम का तो समान होना जरूरी है, तो क्या आ जाएगा, जीरो को तो किसी में ऐड करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ए आई जे एम इन टू एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ए के बराबर आया, वो भी ए के बराबर आया, ये भी ए है और ये भी ए है। तो ये हो गया आपका योज प्रतिलोम। चौथा देखें, चौथा है योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। देखिए कुछ नहीं है, योज में उल्टा हो यानी कोई भी मैट्रिक्स है ए उसमें उसके विपरीत चिन्ह वाले को ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ये नल मैट्रिक्स आएगा। इसी प्रकार से माइनस ए है और इसके विपरीत चिन्ह वाला ए हुआ वो भी जीरो ही आएगा। देखें जरा, ए प्लस माइनस ए तो है आपका ए आई जे एम इन टू एन प्लस माइनस ए आई जे एम इन टू एन, माइनस तो आ जाएगा तो ए आई जे एम इन टू एन माइनस ए आई जे एम इन टू एन, सेम वाले को माइनस करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा वो भी एम इन टू एन क्रम का ही। पांचवा देखें, लॉ ऑफ कैंसिलेशन या
निरसन का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिल हो जाए मतलब, तो निरसन का नियम, निरसन का नियम क्या कहता है? निरसन का नियम ये कहता है कि यदि ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी है तो ये कट जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, ए बराबर सी आएगा, मतलब कैंसिल हो गए दोनों, या ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है मान लो तो ए कट जाएगा, यानी बी बराबर सी होगा। तो यह है आपका निरसन का नियम। और देखें जरा, मान लीजिए आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, ये मान लो 2x2 ऑर्डर का है, ये कोई 2x2 का है। अब मान लीजिए हमें ए स्क्वायर निकालना हो या ए क्यूब निकालना हो, मान लो ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए होगा, तो ए इंटू ए मतलब 1 2 3 4, ऐसे ही ए फिर दोबारा से लिख दो 1 2 3 4, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए अंदर वाला सेम होना चाहिए, तो जो आएगा वो बाहर वाले क्रम का आएगा। अब यहां क्या आएगा उससे मतलब नहीं हमें, तो अब ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए इस 1 3 को आप इधर लिख दीजिए लेटर में ऐसे करके, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और बीच में प्लस चिन्ह, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 6 आएगा। अब इसका इस रो के साथ हो गया, अब ये दूसरी वाली रो के साथ देखो, इसका इसके साथ करें तो 3, प्लस इसका इसके साथ करिए तो 12 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, अब 2 4 को ले आइए इधर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, तो कितना आया ये आ गया आपका 7, ये आ गया 15, ये आ गया 10, ये आ गया 22, तो ये 2x2 का ए स्क्वायर आ गया आपका। अब मान लो आपको ए क्यूब निकालना हो, जैसे एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है, वैसे ही ए क्यूब की यदि हम बात करें, ए क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब आएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर क्या है 7 10 15 22, और ए जो भी होगा आपका, ए जो भी होगा उसका फिर से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। और किस ऑर्डर का मिलेगा, ये 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 2x2 क्रम का ही मिलेगा। इसी तरीके से 3x3 का भी ले सकते हैं, 3x3 का भी ले सकते हैं। आज के वीडियो के लिए यहीं तक काफी है, धन्यवाद।